वहीं महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि भट्ट लंबे वक्त तक विद्यार्थी परिषद में रहे और बीजेपी युवा मोर्चे में भी उन्होंने काम किया। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है, महेंद्र भट्ट। महेंद्र भट्ट के नाम पर मोहर लग गई, महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष बन गए, प्रतिनिधित्व गढ़वाल के पास फिर से। महेंद्र भट्ट बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक के रूप में भी उन्होंने काम किया और स्वयं सेवक हैं, विधायक रहे हैं और युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। विभिन्न दायित्व लेकर संगठन में उन्होंने काम किया है, उन्हें संगठन का अच्छा अनुभव है और पूरे प्रदेश को समझते हैं, जानते हैं, नीचे तक कार्यकर्ताओं के बीच में गए हैं, इसलिए नया चेहरा नहीं है, बहुत ही वरिष्ठ और पुराना कार्यकर्ता हैं और उनको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, दे भी चुका हूं। एक सवाल है यहां पर, आखिर जब गढ़वाल से ही अध्यक्ष आना था तो मदन कौशिक को क्यों रिप्लेस किया? देखिए, ये प्रक्रिया है और ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व अपना जो भी निर्णय और लेता है तो उनका निर्णय स्वीकार्य है और किसी ने, हो सकता है कि कहीं और आवश्यकता मदन कौशिक जी की हो, और मैं कह सकता हूँ कि वैसे भी प्रक्रिया अब आने वाले समय में यह है और मदन कौशिक जी का वैसे भी जो ट्रम होता है हमारे यहाँ 300 वो भी एक पूरा होने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अजय रूपी शुक्ला ने